बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैथ 641 के असाइनमेंट नंबर 2 का सलूशन आपके साथ शेयर करूंगी। सेक्शन इंचार्ज मिस असमत बतूल अपने अनाउंसमेंट सेक्शन में से जाके अपनी असाइनमेंट डाउनलोड करें और देखें कि आपकी सेक्शन इंचार्ज कौन है, वो असाइनमेंट आपने अपलोड करनी है। दूसरी असाइनमेंट भी ऑलरेडी अपलोडेड है सर इमरान तालिब की, तो आज जो है वो हम मिस असमत बतूल की जो असाइनमेंट है उसका सलूशन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। 2 क्वेश्चन है, 10 मार्क्स की असाइनमेंट है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है और 5 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द नल स्पेस ऑफ द ऑपरेटर एस आर थ्री टू आर टू, ये इम्प्लाई कर रहा है आर थ्री आर टू के ऊपर रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स 2 -3 -4 -1 -0 -5। तो सबसे पहले हमने जो मैट्रिक है उसको इक्वल रख लिए कि ये हमारा जो मैट्रिक है वो एस की इक्वल है। तो सबसे पहले अगर नल स्पेस इसकी फाइंड करनी है तो इसको हम जो है वो सॉल्व करेंगे एस ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक होगा वो और साथ में जो अननोन्स हैं एक्स वाई जी वो और उनको इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे। और एक्स जो है वो हमारा यहाँ पे क्या है, एक वेक्टर है आर थ्री में। तो सबसे पहले हम जो सिस्टम हमें दिया हुआ उसमें से हमने इक्वेशन बना ली। आप इसको सिंपल मैट्रिक्स के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब कि जो मैट्रिक दिया हुआ है इसके ऊपर रो ऑपरेशन अप्लाई करके इसको आप जो है वो रो रिडक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इक्वेशंस को सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाता है, सब सॉल्व कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने इसको इक्वेशन की फॉर्म में किया है। 2x -3y + 4z = 0 एंड सेकंड हमारे पास आ जाएगी x -5z = 0। तो वी कैन सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय द गॉसियन एलिमिनेशन और द रो रिडक्शन, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि हम किस तरह से रो रिडक्शन की फॉर्म में इसको जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। आर टू को अगर हमने चेंज करना है तो हम करेंगे r2 -2r1, यानी कि आर टू में से हम r2r1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा आर टू जो है वो हमारी चेंज हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा 0x + 6y - 3z = 0, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो न्यू जो सिस्टम बनेगा इक्वेशन का वो हमारे पास ये आ जाएगा। एंड नाउ अब हम क्या करेंगे, इन इक्वेशन को एक्सप्रेस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जी। जो हमारे पास 0x है उसको हम ख़त्म कर देंगे, सिंपल 2x - 3y + 4z = 0 एंड 6y - 3z = 0। अब सेकेंड इक्वेशन में से हमारे पास जो वैल्यू निकलती है वो 6y = 3z निकलती है, विच इम्प्लाइज y = 0। y = 0 जब अगर हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास x की जो है वो एक वैल्यू निकल आएगी x = -2z। तो इस इक्वेशन को जो हमारे पास वैल्यू निकली है इसको हम बाकी क्वेश्चंस में पुट करेंगे या फिर हम यहाँ पे जो हमारे पास y वाली फर्स्ट वाली इक्वेशन है उसमें y = 0 और x = -2z पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से जो है वो हमारे पास z का आंसर भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास तीन वैल्यूज आई हैं -2z, 0 एंड z। तो दिस मीन्स दैट एनी वेक्टर ऑफ द फॉर्म -2z, 0 एंड z इन R3 गेट्स मैप टू द 0 वैक्टर इन R2 अंडर द ऑपरेटर एस। देयरफॉर द नल स्पेस हमारे पास क्या बनेगी, -2z, 0 एंड z। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि फाइंड द ड्यूल बेसिस ऑफ द नॉर्म स्पेसेस एक्स विद द बेस ऑफ एक्स आर, बेस हमें एक दी हुई है b = 2 0 - 2 3 1 6 0 4 और -5 एंड हेंस एवलेट इट एट x = 1 5 2 बिलोंग्स टू एक्स। तो सबसे पहले हमें जो है वो इसका ड्यूल फाइंड करने के लिए, अगर हमने एक्स का ड्यूल फाइंड करना है तो हमें यहाँ पे एक नया जो स्पेस है एक्स स्टेरिक वो चाहिए होगी। अब जो एक्स स्टेरिक है ये किस पे डिपेंड, क्या इसमें एलिमेंट्स आते हैं, कंसिस्ट ऑफ ऑल लीनियर फंक्शन ऑन एक्स विच आर मैप्ड मैपिंग्स फ्रॉम एक्स टू द स्केलर फील्ड। तो हमने एक्स के लिए जो हमें बेसिस दी हुई है उसको हमने ये कहा है कि ये v1 v2 v3 up to फिर इस तरह v4 v5 v6 and v7 v8 v9 है। तो वी वांट टू फाइंड अ ड्यूल, तो इसके लिए हमने जो है वो बी स्टैरिक यानी कि बी हमें दिए हुए बी स्टैरिक हमने साथ में एक बेस ले लिया जिसमें हमने रख लिया f1 f2 f3। आप यहाँ पर एलिमेंट्स को बेशक चेंज कर सकते हैं बट ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, इसका फार्मूला इसी तरह से यूज़ होता है तो बेशक ये यूज़ करें। ईच फंक्शनल fi इन बी स्टैरिक शुड सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज, सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करना चाहिए जो हमारे पास बी में सारे हैं, यानी कि v1 v2 v3 = 1 होना चाहिए, v4 v5 v6 = जो है वो ये जहाँ पे 0 एक आएगा मिसिंग है
ये दोनों इक्वल टू ज़ीरो होने चाहिए। इस तरह से एफ़ टू वी वन वी टू वी थ्री ये वन के इक्वल होना चाहिए और बाकी दोनों जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल होने चाहिए। तो इन दिस केस द गिवन बेसिस ऑफ द एक्स जो हमें दी हुआ क्वेश्चन में वो कौन सी बेसिस हैं, टू ज़ीरो माइनस टू, यानी कि ये वी एफ़ वन के लिए भी वी वन वी टू की वैल्यू है टू ज़ीरो माइनस टू। इस तरह से वी फोर वी फाइव वी सिक्स इज इक्वल टू हो जाएगा थ्री वन सिक्स के एंड वी सेवन वी एट वी नाइन इक्वल टू हो जाएगा ज़ीरो फोर और माइनस फाइव के। तो अब हर एक एलिमेंट को इसके लिए सॉल्व करेंगे हम एफ़ वन टू ज़ीरो माइनस टू जो कि अभी मैंने आपको बताया है, इन सब को इस तरह से इक्वल रख लेंगे। ये बेसिकली हमारे पास जो है वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक बनता है वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो एंड ज़ीरो ज़ीरो वन। ठीक है, वी सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एफ़ वन एफ़ टू एफ़ थ्री, सबको अंदर सिंबल मल्टीप्लाई किया है और हमारे पास जो आंसर आया है सबसे पहली जो इक्वेशन है उसमें से एफ़ वन में से वो हमारे पास आया है ज़ीरो इज इक्वल टू वन। अगर ये ज़ीरो इक्वल टू वन है तो ये पॉसिबल ही नहीं होता है और फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट ज़ीरो इज इक्वल टू वन विच इज़ नॉट पॉसिबल। दिस इंडिकेट दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन, देयर फॉर देर आर नो फंक्शनल इन द ड्यूल स्पेसेज एक्स डायरेक्ट दैट सेटिसफाई द रिक्वायर्ड कंडीशन, सो देर इज़ नो ड्यूल बेसिस फॉर द गिवन बेस ऑफ एक्स, यानी कि जो हमें दी हुई है बेस उसका कोई भी ड्यूल बेस हमारे पास नहीं बनता है तो हम इसको फर्दर जो है वो आगे नहीं लेके जा सकते। तो ये थी आपके असाइनमेंट का सोल्यूशन, आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी मिस्टेक हो या फिर किसी को कहीं से भी लगे कि यहाँ पे कोई मिस्टेक है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी को पेड फाइल चाहिए तो एमएस वर्ड फॉर्म में जो है वो करेक्ट फॉर्मेट के साथ आपको फ़ाइल मिल जाएगी। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।